आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कांग्रेस का मोदी पर हमला जारी है। ताजा हमला ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता शकील अहमद और अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। सिंघवी ने अपने ट्वीट में मोदी को ज्यादा तवज्जो न देने की अपील की है, तो वहीं शकील अहमद ने लिखा है कि 2002 गुजरात दंगे के बाद इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना हुई, फिर भी बीजेपी और आरएसएस भड़काऊ राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आप अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल नजरअंदाज किया जाए नरेंद्र मोदी को। अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बड़ा मुद्दा ना हो तो मोदी को नजरअंदाज करना ही मोदी के लिए बड़ी सजा होगी। ये ट्वीट करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं न कहीं उन्हें हल्का दिखाने की कोशिश की है, जबकि शकील अहमद ने हमला करते हुए कहा है कि एनआईए अपनी चार्जशीट में कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन गुजरात दंगों के बाद बना था, फिर भी बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिक राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है।